क्या जब कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारी बातें मानी जाएगी, और कानून का पालन करेंगे तो हम लोगों को घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये कहाँ का न्याय है? दरअसल होमगार्ड के ये जवान जो पिछले 19 दिनों से चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी सूद लेने वाला अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, और ना ही वहां शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, और ना ही किसी भी तरीके का सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इसलिए लोग आज सरकार से चाहते हैं कि जब तक एक टैंकर पानी नहीं आएगा तब तक रोड को जाम रखेंगे। इन लोगों का मांग है, जब तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था धरना स्थल पर नहीं होती है तब तक रोड को जाम रखा जाएगा। हालांकि मौके पर प्रशासन के लोग धरना स्थल जरूर पहुंचे हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार सरकार होश में आओ। पानी के चलते किए हैं और अपने स्टेट के चलते किए हैं, सुन रही है, पानी के चलते रात भर मर रहा आदमी यहाँ पे, जिसके चलते रोड जाम हुआ है। क्यों रोड जाम किए आप लोग? पानी के चलते कल रात से ही पानी नहीं मिल रहा, सरकार द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, और धरना और हम लोगों का पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक टैंकर से नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम इतना संख्या में 4 टैंकर जरूरी है। पानी का किल्लत, जब तक पानी का व्यवस्था नहीं होगा तो टैंकर, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी तो ये क्या दिक्कत है पानी का? कब से दिक्कत हो रहा है पानी का? पानी के हम लोग के कल शाम से दिक्कत हो रहा है, 6 बजे से पानी झारखंड सरकार बंद करा दी है। झारखंड सरकार के पानी देना होगा तब जाके रोड से जाम खत्म करेंगे।